हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं अनुज बंसल गाजियाबाद से, और आज 4 दिसंबर का दिन है। शाम के 6:34 हो रहे हैं जिस समय ये वीडियो मैं आपके सामने बना रहा हूँ। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया, अमेज़न पे बैलेंस से रिचार्ज आप इस ऐप के थ्रू करते हैं तो आपको कुछ कैशबैक मिलता है। तो मैंने काफ़ी सारे रिचार्ज इसके थ्रू किए हैं, तो वहाँ से जो मेरा यूटिलाइज हो रहा वो ही रहा। बाकी कैशबैक के रूप में यहाँ पर आज कुछ कंफर्मेशन हो गई है, जो मैंने पिछले रिचार्ज किए थे अमेज़न पे बैलेंस से, जो हमने गिफ्ट कार्ड GDS के गिफ्ट कार्ड से ऐड ऑन किया था, तो मैं थोड़ा सा उसकी तरफ रूबरू कराना चाहूँगा आपको। तो ये मेरे ऑर्डर थे, मैंने काफ़ी सारी रिक्वेस्ट और भी लगाई हैं, अभी पेंडिंग है। काफ़ी सारे शॉपिंग की थी, ग्रॉसरी शॉपिंग किया था, उसका 8.40 रुपये और भी दीजिए। रिचार्ज है 1.5 रुपये कैशबैक इस पाया, यानी कि वो डिस्काउंट जो हमें मिला वहाँ से अमेज़न पे से जो हमने शॉपिंग वॉलेट का, वो अलग है। और उसके अलावा ये कैशबैक जो मैंने कैश करो ऐप डाउनलोड करा था, जिसका मैंने आपको बताया उसके अमेज़न के रिचार्ज किए थे, तो उसका कंफर्मेशन आज हो गया है, जिसमें से 1, 2, 3, 4, 5, 6 यानी कि 9 रुपये यहाँ पर जो है सिस्टम द्वारा कंफर्मेशन हो गए हैं। इसकी डिटेल दिखाऊँ तो ये मैंने 21 नवंबर थे, और जब भी मैंने गिफ्ट कार्ड अपना बना के ऐड ऑन के प्रोसेस किए थे। ठीक है, तो ये आने शुरू हो गए हैं और कन्फर्म होना शुरू हो गया है। तो अभी काफ़ी सारे पेंडिंग है, और 2-3 और भी किए हैं जो मुझे यहाँ पर जो है अभी इसमें ऐड ऑन करने हैं। ठीक है ना, तो आज हम इसका विड्रॉल करते हैं कि किस तरीके से ये विड्रॉल होता है। तो हम सबसे पहले रिक्वेस्ट पेमेंट पे जाते हैं। यहाँ पर रिवार्ड अवेलेबल फॉर पेमेंट यहाँ पर लिखा हुआ है। मैं आपको एक नोटिफिकेशन भी, मेरे पास इसका हर एक चीज़ का आपको कन्फर्मेशन हर एक तरीके से आती है। ये कैशबैक की तरफ से जो कन्फर्मेशन आई है वो भी मैं आपको एक बार रूबरू कराना चाहूँगा। ये कैशबैक की तरफ से ये देखिए, ये कैसे कन्फर्मेशन हो रहा है इसकी ये आप देख रहे हैं, कैशबैक पेंडिंग, ये कंफर्म, यानी कि पहले पेंडिंग होता है, फिर कंफर्म होने के बाद में भी ये नोटिफाई कर रहे हैं आपको व्हाट्सअप पे, और मेल के थ्रू भी आपको मेल पे भी इसके सारे कंफर्मेशन आ रही हैं। ठीक है ना, तो मैं उसको भी आपको कुछ रूबरू कराना चाहूँगा। ये आप देखिए यहाँ पर, ये अभी लास्ट मैंने उसे अपडेट किया था, तो उसका ये पेंडिंग में आ रहा है, और इसके बाद आपका जो है मैंने यहाँ पर प्रोसेस किया था, तो उसका भी यहाँ पर कन्फर्मेशन दिखा रहा है। तो हमारे पास इसका मेल पे भी कंफर्मेशन, ये इस तरीके से मेल पे भी कंफर्मेशन हमारे पास आता है। ये देखिए यहाँ पर इसमें लिखा हुआ है 1.5 रुपये कंफर्म। अमाउंट छोटी है, पर मेन बात है कि आपको कुछ ना कुछ मिल रहा है, यानी कि अगर आप 20-30 रुपये का रिचार्ज करके भी अगर 1.5 रुपये, तो कई बार आपका 5%, 7% भी मिल रहा है, और 5% आपका वहाँ से, यानी कि एक अच्छी खासी अमाउंट आपको जो है यहाँ से मिल रही है। तो ये आप देख रहे हैं इस तरीके 1.5 रुपये, आज 6 अमाउंट मेरी कंफर्म हो गई हैं जो मैंने अमेज़न पे से किया था। तो इसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है पिछली वीडियो में, तो आप वहाँ से डाउनलोड करेंगे तो आपको बोनस भी आपको मिलता है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका कन्फर्मेशन। ठीक है, अब बात करते हैं हम आगे की। ये हमारा व्हाट्सअप पे है, अब हम इसके ऐप पे चलते हैं और इसको विड्रॉल करते हैं, और विड्रॉल करके इसको अपने, इसे आप बैंक में भी ले सकते हैं, अमेज़न पे में भी ले सकते हैं, और आप इसे उसमें भी ले सकते हैं फ्लिपकार्ट में भी। तो हम इसे ट्रांसफ़र करते हैं रिक्वेस्ट पेमेंट। तो ये पूछेगा हमसे कि हमें कहाँ लेनी है। ठीक है ना, तो ये अमेज़न पे बैलेंस में लेनी है, फ्लिपकार्ट में लेनी है, तो हम इसे फ्लिपकार्ट में हमारे पास में ऐड ऑन कर लेते हैं हमें। ठीक है, फ्लिपकार्ट में ऑलरेडी हमारे 3 रुपीज़ हैं, तो उसी में ऐड कर लेते हैं, नेक्स्ट शॉपिंग में हमारे कंफर्म हो जाएगा। तो ये हमारे पास OTP गया है, OTP हमारे मेल पे भी चला जाएगा। ये OTP आ गया है, ये आ गया 99-36-27, ये हम यहाँ पर वेरीफाई कर देते हैं, आपके उस पर भी जाएगा ये गिफ्ट कार्ड एडिटेड सक्सेसफुली, ये जो है कन्फर्मेशन सिस्टम ने 9 रुपये की कर दी है। तो ये कहना है, वी विल इनिशिएट योर पेमेंट, 9 गिफ्ट कार्ड विल बी ईमेल टू योर इन 5 मिनट, इन रेयर केस इट मे टेक अप टू 72 आवर फॉर द गिफ्ट कार्ड टू रिच यू, वी विल नोटिफाई यू वंस द पेमेंट इज़ प्रोसीड। ठीक है, तो इसको भी ये कन्फर्मेशन करने के लिए, तो अभी हम एक बार मेल चेकआउट कर लेते हैं। ठीक है, ये OTP की मेल है, और हमारे फ्लिपकार्ट में जैसे ही ऐड ऑन हो जाएगा, तो एक बार हम फ्लिपकार्ट के भी ऐप पे भी चलते हैं कि वहाँ पर हमारा ये ऐड ऑन हुआ है नहीं हुआ है, क्योंकि ये कह रहे हैं कि 72 घंटे के अंदर आपका जो है ऐड ऑन हो जाएगा। फिर भी हम एक बार जो है उसको चेकआउट कर लेते हैं। तो हम अकाउंट सेक्शन में जाते हैं अपने,
नीचे बॉटम में चौथे नंबर का ऑप्शन है, और इसमें हम अपने सेव कार्ड एंड डेबिट गिफ्ट कार्ड पे जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऐड होना, अगर हो गया होगा तो यहाँ पर 3 के 12 हो गएंगे, अभी यहाँ पर नहीं आया है, ठीक है ना। पर हमारा प्रोसेस हो गया है, तो जैसे यहाँ पर आ जाएगा तो उसकी मैं आपको जो है स्क्रीनशॉट शेयर कर दूँगा ग्रुप में। तो ये पहले के हैं ऑलरेडी, तो एक बार हम मेल पे चलते हैं। तो अभी ये गिफ्ट कार्ड बन के नहीं आया, तो जैसे ही ये गिफ्ट कार्ड बन के आ जाएगा 9 रुपीज़ का, तो इसमें हम ऐड ऑन कर लेंगे। मे भी शायद गिफ्ट कार्ड बन के ये सिस्टम द्वारा जनरेट होके आएगा, तो एक बार हम इसको चेकआउट कर लेते हैं। ये कह रहा है पेमेंट रिक्वेस्ट फॉर यू ऑलरेडी पेंडिंग, दिस विल बी प्रोसीड शॉर्टली, वंस दिस पेमेंट यू कैन रिक्वेस्ट फॉर अनदर पेमेंट। चलिए हमने पेमेंट की रिक्वेस्ट लगा दी, तो जैसे ही वो आ जाएगा हमारे पास में, तो उसका स्क्रीनशॉट मैं ग्रुप में आपके साथ साझा कर दूंगा, ठीक है ना। तो ये अभी मैंने आपको दिखा दिया कि इसमें 3 रुपये हैं, तो वो वाला जब गिफ्ट कार्ड बन के आ जाएगा तो उसके 9 रुपये ऐड ऑन कर, यहाँ पर ऐड ऑन करके मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो ये OTP भी हमने डाल ही दिया था, पूरा प्रोसेस कर दिया था। तो ये सिंपल प्रोसेस के थ्रू आपको ये बेनिफिट एक्स्ट्रा आपको और मिल जाता है, ठीक है। तो आप सिस्टम के साथ लगे रहिए और जुड़े रहिए, और अपने पैसे की रिकवरी और अर्निंग में साथ में करते रहिए। तो आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और डिस्क्रिप्शन में टाइटल में मेरा नंबर है, आप मुझे संपर्क करके भी इसकी सिस्टम की जानकारी ले सकते हैं। जो लोग मेरी कम्युनिटी से जुड़े हुए हैं वो मुझे डायरेक्टली संपर्क भी कर सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।